हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और यूट्यूब पर मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है स्वरोदय ज्ञान, यानी कि स्वर ज्ञान। दोस्तों, स्वर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। श्री स्वामी चरणदास जी कृत ज्ञान स्वरोदय में ये स्पष्ट बताया गया है कि ये सभी योगों का योग है और सभी ज्ञानों का ज्ञान है, यानी कि सर्व सिद्धि को सिद्ध है, तत्व स्मरण को ध्यान, सब योगन को योग है, सब ज्ञानन को ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को जाप है अजपा सोहं चाहद, परम हंस को जान है ताको मदो अगाध। भेद स्वरोदय सो लहे समझे श्वास उसास, बुरी भली तामे लखे पवन सुरत मन गास। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस स्वरोदय ज्ञान को साधने की ज़रूरत है, यानी कि इसकी साधना करने की ज़रूरत है, उसके बाद में इसके द्वारा आप किसी भी तरह की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे ये तीन नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, नाड़ी तीन विचार, दाहिने बाएं स्वर चले लखे धारणा धार। यानी कि पिंगल दाहिने अंग है, यानी कि पिंगल जो नाड़ी है वो दाहिने अंग पर अंग में मानी गई है, यानी कि श्वासा ये अपने श्वासों के दो छिद्र हैं, तो दाहिने छिद्र को पिंगला कहते हैं और बाएं छिद्र को ईड़ा कहते हैं, बीच में जो चलता है उसको सुषुम्ना कहते हैं। ये सेकंडों के हिसाब से जब दोनों स्वर बदलते हैं तब ही चलता है, वरना नहीं। अब क्या है कि जब स्वर चाले पिंगला तेई मध्य सूरज वास, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से सूर्योदय के टाइम में पिंगल यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही होगी, चल रही है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। और बाएं जब शुक्ल पक्ष लगता है तब बायां स्वर चलता है। अब ये तीन तीन दिन से बदलते रहते हैं, तीन दिन बाद में फिर सूरज, फिर वास, फिर सूरज, फिर चांद, फिर सूरज, फिर चांद, इस तरह तीन दिन से ये बदलते रहते हैं। और जब हम अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनमें ये श्वास ही नहीं, इनमें तत्व भी चलते हैं। जैसे पांच तत्व हैं, पांचों तत्व इन स्वरों के साथ साथ चलते हैं। अब इसमें क्या है कि चरणदास जी, सुखदेव जी मुनि जो चरणदास के गुरु थे, वो कहते हैं कि थिर चर स्वर पहचान, थिर कारज को चंद्रमा, यानी कि स्थिर कारज कार्य के लिए चंद्रमा और चर कारज के लिए सूर्य। कृष्ण पक्ष जब ही लगे जाय मिलत है भान, कृष्ण पक्ष जब भी शुरू होता है तो ये सूर्य दाहिनी स्वर में सूर्य चलता है, यानी कि पिंगला नाड़ी सुबह सूर्योदय के टाइम में शुरू होती है और वो चलती रहती है। अब क्या है कि जैसे इसमें लिखा है, कृष्ण पक्ष जब ही लगे जाय मिलत है भान, शुक्ल पक्ष है चंद्र को ये निश्चय कर जान, यानी कि
पिंगला नाड़ी का कृष्ण पक्ष है और ईड़ा नाड़ी का शुक्ल पक्ष है। मंग अब इसके बाद में इनके वार भी निश्चित हैं, तो जैसे इन्होंने लिखा है, मंगल और इतवार दिन और शनिश्चर लीन शुभ कारज को मिलते हैं सूरज के दिन चीन। यानी कि सूर्य स्वर यानी कि पिंगला स्वर जब चल रहा है तो थिर कारज के लिए, शुभ कारज के लिए सूरज के तीन ही दिन हैं, मंगल इतवार और शनिश्चर। अच्छा, इसके बाद में ईड़ा जो है, सोमवार शुक्र भलो दिन बृहस्पति को देख चंद्रयोग में सुफल है चरणदास विषेक। यानी कि सोमवार शुक्रवार और बृहस्पतिवार ये है चंद्र स्वर के वार हैं। अच्छा, इसके बाद इस तरह से जो कोई जाता है, जैसे तिथि अरुबार विचार कर दाहिनु बाहु अंग चरणदास स्वर जो मिले शुभ कारज प्रसंग, यानी कि शुभ काम हो जाएगा तिथि और वार विचार कर, तिथि और वार का विचार करके अगर कोई शुभ कार्य के लिए कहीं जाते हो तो वो निश्चित हो जाएगा। और अब कृष्ण पक्ष के आदि ही तीन तिथि तक वार। अब इसमें बताया है कि कृष्ण पक्ष लगता है तो तीन दिन तक सूर्य चलता है, दाहिना स्वर चलता है मतलब, और फिर उसके बाद में फिर चंदा फिर भान है, फिर चंदा फिर भान, यानी कि तीन तीन दिन से ये बदलते रहते हैं। अब इस तरह दोस्तों ये ज्ञान स्वरोदय नाम से मैंने चैनल स्टार्ट किया है, इसमें ये पूरी सीरीज आएगी स्वरोदय ज्ञान की, जिसका पहला भाग आज मैंने बता दिया है। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जिससे डेली आपको अलग अलग पार्ट में स्वरोदय ज्ञान से संबंधित वीडियो मिलते रहें। मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 9887286799। अगर कोई क्वेरी अगर करनी है तो इन नंबरों पर आप कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।